दोस्तों, हम किस बात पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, इसके लिए कुछ हद तक हमारा अवचेतन मन उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं और चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, यह सब भी हमारे अवचेतन मन से ही जुड़ा है। हम ऊपरी तौर पर भले ही सब कुछ भूल जाएं, लेकिन कुछ यादें जिन्हें हमने जिया है, जिनके साथ कभी हमारा आमना सामना हुआ है, कुछ घटनाएं हमारे व्यक्तित्व के इसी हिस्से में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। यह वीडियो उसी अवचेतन मन के रहस्यों से जुड़ा है। आपके सामने एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर में दो आकृतियां हैं, लेकिन आपका ध्यान सबसे पहले उसी आकृति की ओर जाएगा जो आपके अवचेतन मन से जुड़ी है। मुमकिन है इस टेस्ट के जरिए आप अपने बारे में वो बात जान जाएं जिसकी तलाश आप अभी तक कर रहे थे। तो बताएं, आपने सबसे पहले क्या देखा? दो बिल्लियां। इस तस्वीर में अगर आपको सबसे पहले दो बिल्लियां नजर आई हैं, तो आप बेहद बड़बोले प्रकृति के इंसान हैं। आपका जीवन खूबसूरती, हंसी मजाक और समृद्धि के आसपास घूमता है। कुछ लोग आपको स्वार्थी मानते हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण बर्दाश्त नहीं करते। आप स्वतंत्र और स्वावलंबी स्वभाव के इंसान हैं। आप चाहे कितनी भी बार असफल क्यों ना हो, आप दोबारा उठकर कोशिश अवश्य करते हैं। आप इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हैं कि ये बात आपको किसी के साथ लंबे समय तक टिकने नहीं देती। आप प्रेम संबंधों में उलझकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहते। दूसरा, कुत्ता। अगर इस तस्वीर में आपकी नजर कुत्ते की आकृति पर गई है, तो यह तंदुरुस्ती और शांति को दर्शाता है। आप सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं और इसके लिए इंतजार करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। आप समर्पित, ईमानदार और जिम्मेदार किस्म के इंसान हैं, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आपका व्यक्तित्व बेहद शांत, दूसरों की परवाह करने वाला। आप अपने निकटतम लोगों से बेहद प्रेम करते हैं। आपके लिए आपका परिवार सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। संबंध का मतलब आपके लिए सिर्फ एकता और दोस्ती तक ही सीमित है। आपको बस दूसरों पर विश्वास करने में परेशानी होती है, जिसका समाधान आपको ढूंढ लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी, आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।